हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस एमसीक्यू ऑन रिलेटिविटी पार्ट थर्ड दिस इज थर्ड वीडियो इन द सीरीज ऑफ एमसीक्यू ऑन रिलेटिविटी लास्ट टू पार्ट में हमने 60 क्वेश्चन किए थे नाउ 61 क्वेश्चन इज ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट इज मूविंग विद रिलेटिविस्टिक स्पीड वी इफ वीटा इक्वल टू बी द फ्रैक्शन डिफाइंड एम नॉट देन बी कैन शो दैट यानी कि उसने एक फ्रैक्शन दिया है और रिलेशन पूछी है एफ इक्वल टू दिया है एम माइनस एम नॉट अपॉन एम नॉट और बी इक्वल टू दिया है ओ बीटा इक्वल टू दिया है बीटा इक्वल टू दिया है बी अपॉन सी ठीक है भाई तो इसी को हम बाई पास कर देते हैं तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा एम अपॉन एम नॉट माइनस एम नॉट अपॉन एम नॉट क्लियर है भाई तो एम नॉट से एम नॉट कैंसिल आउट हो गया वन तो एफ इक्वल टू कितना हो गया आपका एम अपॉन एम नॉट माइनस वन वन अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहां पर वन प्लस एफ है तो एफ के साथ वन तो इस वन को हम इधर ले आए तो हमारा कितना हो वन प्लस टू रिलेटिविटी वेरिएशन ऑफ मासवल टू एम नॉट अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और इस एम नॉट को इधर ले आएंगे तो एम अपॉन एम नॉट कितना हो जाएगा हमारा हमारा M अपॉन एम नॉट इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इस वैल्यू को यहां पर रख देंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा वन प्लस एफ इक्वल टू वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे बोथ साइड तो वन प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हमने क्या किया दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया ठीक है भाई थोड़ा स्पेस कर लेते हैं स्क्वायर करने के बाद यहां पर हमने क्या दिया देखा भाई कि ये हमारा आ जाता है वन प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपोन सी स्क्वायर इसको इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले ले जाओ जाओ तो हमारा क्या हो जाएगा वन माइनस वी स्क्वाइनस वन और वी अपॉन बीटा इक्वल टू कितना बीटा इक्वल टू के बीना सी तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर सो बीटा स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस एफ की पावर माइनस टू ये माइनस टू होगा सॉरी माइनस टू तो राइट ऑप्शन इज देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी वन माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस एफ का होल स्क्वायर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू है कंसिडर ओ चार्ज डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रो तो उन्होंने किसी ऑब्जेक्ट 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 की चार्ज डेंसिटी दी है be, है रो इफ द बी मूविंग विद वेलोसिटी वेलोसिटी और जो वी से मूव कर रहा है इट्स चार्ज डेंसिटी बिल बी तो इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं ओरिजिनल वॉल्यूम ले लूं एपरिंग चार्ज डेंसिटी अगर वेलोसिटी ये तो रेस्ट वाली हो गई अगर पार्टिकल मोशन में है तो मोशन में कितनी हो जाएगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है भाई इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू हमें पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके वॉल्यूम में क्या आता है चेंज आता है तो वॉल्यूम रिलेटिविस्टिक वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाता है वी नॉट रूट वन माइनस स्क्र अपॉन सी स्क्वा क्लियर है भाई तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर क्यू अपॉन वी नोट रूट वन माइनस वी स्क्र अपॉन सी स्क्वायर क्यू अपॉन बी नॉट हमारा किसके बराबर है क्यू अपॉन बी नॉट है हमारा रो नॉट के बराबर सो दैट रो इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा रो नॉट अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर तो दिस इज द चार डेंसिटी एंड रिलेटिविस्टिक चार डेंसिटी क्लियर है भाई तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है हमारा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन क्लियर है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन इनर्शियल फ्रेम और रिफरेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स ट्रू समाइम्स होल्ड्स ट्रू एंड समाइम्स डू नॉट होल्ड गुड डू नॉट होल्ड गुड नन ऑफ राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमारी क्या होती है इनर्शियल फ्रेम में होल्ड्स गुड ठीक है भाई एफ इक्वल टू एम ए अगर हम कहते हैं एक फ्रेम में एफ इक्वल टू एम ए अनोदर फ्रेम में हमारी एफ प्राइम इक्वल टू एम ए प्राइम है और वी नो दैट इन इनर्शियल फ्रेम ए प्राइम इक्वल टू ए एक्वल टू ए प्राइम तो एफ इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा एफ प्राइम आ जाता है और सारा का सारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमने स्टडी की है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किसका है कौन सा फ्रेम डिस्कस किया है हमने इनर्शियल फ्रेम तो इनर्शियल फ्रेम में फिजिक्स की न्यूटन लॉ होल्ड गुड ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रू फॉल्स नॉट नॉन नॉन ऑफ अब तो अर्थ इज नॉन यूनवर्सियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रू हम अर्थ की बात करें तो अर्थ को अब जब हम देखते हैं अगर हम इसके ऊपर अर्थ पर हैं तो हमारे हमारे रेस्पेक्ट में इसमें हो जाती है रेस्ट में तो ये कैसे बिहेव करने लगती है एज ए इनर्शियल फ्रेम और अकॉर्डिंग टू न्यूटन एजम्पन अर्थ पर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो वो हम उस अर्थ को क्या मान के परफॉर्म करेंगे एज ए इनर्शियल फ्रेम क्योंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर हम अर्थ पर के कोई सिस्टम रखा है एक्सपेरिमेंट रखा है और हम उस पर रखा कर रहे हैं तो अर्थ हमारे रेस्पेक्ट में किसमें रेस्ट में है तो अर्थ हमारे लिए कैसे बिहेव करेगी इनर्शियल फ्रेम की तरह बिहेव करेगी लेकिन अगर ये अर्थ है और इस अर्थ को मैं अदर प्लेनेट से देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है कि अर्थ इलाप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ राउंड ले रही है मोशन में है और कौन सा अलप्टिकल ऑर्बिट में है तो ये क्या हुआ इसकी वेलोसिटी में क्या आएगा चेंज आएगा वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एसिलेशन आ जाएगा डीबी ओवर तो मूव कर रही है अगर हम दूसरे प्लेनेट से देख रहे हैं तो उस केस में ये कैसे बिहेव कर रही है हमारी नॉन इनर्शियल फ्रेम तो यस अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर अगर ये इस क्वेश्चन इस में ये कह देता कि ऑब्जर्वर अर्थ पर है तो ये हो जाता फॉल्स इसका आंसर क्या हो जाता फॉल्स लेकिन यहां पर इसने कहीं पर भी ऑब्जर्वर का जिक्र नहीं किया है ऑब्जर्वर को डिफाइन किया ही नहीं है जब ऑब्जर्वर को डिफाइन नहीं किया तो अर्थ हमें पता है इनर्शियल भी है और नॉन इनर्शियल भी है अगर वो ऑब्जर्वर को डिफाइन करता है कि अर्थ पर है तो इनर्शियल अर्थ पर नहीं है दूसरे प्लेनेट पर है नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर को डिफाइन नहीं करता तो इनर्शियल भी हो सकती है और नॉन इनर्शियल भी तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इनर्शियल फ्रेम इज इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है एसिलेटेड डी एसिलेटेड मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन इनर्शियल तो हमें पता है कि इनर्शियल फ्रेम कौन से फ्रेम कितने प्रकार के है? हमारे टू टाइप्स के इनर्शियल और नॉन इनर्शियल हमें पता है इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे और जिसका एसिलेशन इक्वल टू कितना हो गया डीवी ओवर डीटी इक्वल टू जीरो जो विदाउट एसिलेशन मूव करे और और जिसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड्स होल्डसो उसको हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम इज दैट फ्रेम ज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विदाउट एसिलेशन और इन विच न्यूटन लॉ होल्ड गुड और नॉन यूनिवर्सियल कौन सा होता है नॉन यूनिवर्सल होता है जो वेरेबल वेलोसिटी से मूव करे जो टाइम के साथ साथ चेंज हो जिसमें एसिलेशन हो हमारा और जिसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड नहीं हो तो उस फ्रेम को हम बोलते हैं नॉन यूनवर्सियल फ्रेम तो इनर्सियल फ्रेम इज मूविंग विद यूनिफॉर्म बॉलिसिटी तो एसिलेटेड नहीं है डी एसिलेटेड नहीं है तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन है हमारे इन गैलिनियन ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिज्म चेंज बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिज्म डू नॉट चेंज बोथ ए एंड बी नैन ऑफ द बो तो बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिज्म कौन सी है हमारी न्यूटन लॉ बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिज्म क्या है न्यूटन्स लॉ in और अकॉर्डिंग टू गैलिनियन न्यूटन्स लॉ आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस और डेफिनेशन भी यही कहती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस की कि बेसिक लॉ में हमारा कोई भी न्यूटन्स की दोनों लॉ होल्ड्स होती हैं तो बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिज्म डू नॉट चेंज जो फ्रेम एफ में है जो एस में है वही किस में रहती है हमारी एस डैश में रहती है तो ऑप्शन वी इज द राइट ऑप्शन बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिज्म डू नॉट चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इनवेरियंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इनवेरियंट बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अब तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है इसमें हमारा ऑप्शन सी गैलिनियन ट्रांसफॉर्मेशन दोनों को फॉलो करता है इसमें कंजर्वेशन ऑफ मूमेंटम भी होता है और इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होती है तो गैलिनियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होती है एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होता है ठीक है भाई तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन सो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम कंजर्वेशन मोमेंटम को प्रूफ करना चाहें तो देखो भाई एक बार कि हमने क्या किया हमने दो फ्रेम ले लिए हमने माना कि हमारे पास ये दो टू फ्रेम और रेफरेंस है ये एस है ये एस प्राइम है हमने माना इसमें टू पार्टिकल हैं ये टू पार्टिकल हैं एक पार्टिकल है हमारा ए और एक पार्टिकल है बी एक का मोमेंटम है पी वन एक का मोमेंटम है पी टू ठीक है भाई एक का मास है M1 वन एक का मास है M2 टू एक की वेलोसिटी है यू वन एक वेलोसिटी है यू टू क्लियर है भाई अब ये तो बात हो बिफोर कॉलिजन अब दोनों पार्टिकल टकराते हैं एस फ्रेम में ही कॉलिजन होता है कॉलिजन के बाद एक की वेलोसिटी हो जाती है वी दूसरे की वेलोसिटी हो जाती है बी टू ये बिफोर कॉलिजन है और ये आफ्टर कॉलिजन है हमने माना कि एस फ्रेम में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कितना हो गया इन एस फ्रेम अगर मैं इन एस फ्रेम की बात करूं एस फ्रेम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दो तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन तो ये क्या हो गया भाई हमारा ये हो गया P1 वन प्लस पी बिफोर इक्वल टू P1 वन प्लस पी आफ्टर P1 वन प्लस पी बिफोर इक्वल टू P1 वन अपॉन पी वन प्लस पी आफ्टर हम गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन में अकॉर्डिंग टू गैलेनियन हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफ कर रहे हैं कि दोनों फ्रेम में कंजर्व ऑफ मोमेंटम सेम रहता है तो बिफोर कॉलिजन इसका मोमेंटम कितना हो गया आपका एम वन यू वन कितना हो गया भई आपका एम वन यू वन दूसरे का कितना हो गया इसका कितना हो गया कॉलिजन से पहले एम टू यू टू एम टू यू टू कॉलिजन के बाद पहले का मोमेंटम कितना हो गया एम वन वी वन एम वन वी वन कॉलिजन के बाद दूसरे का मोमेंटम कितना हो गया हमारा एम टू बी टू ठीक है भाई एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन बी वन प्लस के अकॉर्डिंग बात, बात करूं तो गैलिनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मेरी क्या कहती है गैलिनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मेरी कहती है कि वेलोसिटी की बात करें यू प्राइम इक्वल टू यू माइनस बी लेकिन हमें तो एस फ्रेम के लिए चाहिए तो एस फ्रेम के लिए क्या हो जाती है यू इक्वल टू यू प्राइम प्लस बी तुम्हें क्या चाहिए अब तुम्हें चाहिए यू वन चाहिए तो आपका यू वन इक्वल टू कितना हो जाएगा यू वन प्राइम प्लस बी अब यहां पर यू वन प्राइम क्या है यू वन प्राइम इस फ्रेम से जो ऑब्जर्वर इस फ्रेम से देख रहा है एस प्राइम से उसकी जो ए की वेलोसिटी दिखाई देती है उसे दिखाई देती है यू वन प्राइम और जो बी की वेलोसिटी दिखाई देती है वो यू टू प्राइम दिखाई देती है बिफोर कॉलिजन। और आफ्टर कॉलिजन कितनी दिखाई देती बी वन प्राइम और बी टू प्राइम क्लियर है भाई तो हमारा यहां से क्या हो जाता है ये, ये हो जाता है हमारा यू वन प्राइम इक्वल टू यू वन इक्वल टू यू वन प्राइम प्लस बी और अगर मैं दूसरी की बात करूं यू की बात करूं तो यू हो जाएगा हमारा यू टू प्राइम प्लस बी ठीक है भाई अब मैं बात करूं बी वन की बात करूं तो बी वन हो जाएगा बी वन प्राइम प्लस बी बी टू कितना हो जाएगा बी टू इक्वल टू बी टू प्राइम प्लस बी क्लियर है भाई दोनों फ्रेम की जो हमने रिलेट करना था हमने इक्वेशन को रिलेट कर दिया अब इन्हीं सब इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो पुट इन वन इक्वेशन वन में जब आप इसे पुट करोगे तो इक्वेशन वन में पुट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा इक्वेशन वन में पुट करने के बाद आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में पहला क्या है एम वन यू वन तो एम वन है वैल्यू कितनी आई है आपकी यू वन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यू वन की वैल्यू आ गई यू वन प्राइम प्लस बी प्लस एम टू है आपका यू टू की वैल्यू कितनी आ गई यू टू की वैल्यू आ गई यू टू प्राइम प्लस बी Right में क्या है, है, है एम वन है, है, हाँ है तो बी टू प्राइम प्लस बी ये हमने वैल्यू ये चारों वैल्यू इस इक्वेशन नंबर वन में रख दी इक्वेशन वन नंबर वन की आती है हमारी एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू यू वन यू टू बी वन बी टू की वैल्यू यहां पर पुट कर दी ब्रैकेट ओपन कर दिए तो एम वन यू वन प्राइम प्लस एम वन बी प्लस एम टू यू टू प्राइम प्लस एम टू बी इक्वल टू एम वन बी वन प्राइम प्लस एम वन बी प्लस एम टू बी टू प्राइम प्लस एम टू बी क्लियर है भाई तो यहां पर क्या बचा आपका एम वन यू वन प्राइम प्लस एम टू यू टू प्राइम इन दोनों को देखोगे इसको और इसको दोनों में क्या कॉमन आ रहा है B कॉमन आ रहा है तो प्लस का V M1 वन प्लस एम टू इक्वल टू फिर इधर M1 वन बी वन प्राइम प्लस एम टू बी टू प्राइम फिर से अगर इन इन दो टर्म को देखोगे आप फिर से इन दोनों में बी कॉमन आ रहा है तो प्लस का बी एम वन प्लस एम टू ये टर्म इस टर्म के बराबर हो गई कैंसिल आउट हो जाएगी तो आपका क्या बचा आपका रिमेनिंग बचा एम वन यू वन प्राइम प्लस एम टू यू टू प्राइम इक्वल टू एम वन बी वन प्राइम प्लस एम टू बी टू प्राइम तो हमने क्या प्रूफ कर दिया हमने ये प्रूफ कर दिया कि एस में मोमेंटम कंजर्व था और यहां से क्या प्रूफ हो गया कि ये कौन सा मोमेंटम हो गया बिफोर कॉलिजन और ये कौन सा हो गया आफ्टर कॉलिजन इन एस प्राइम फ्रेम इन एस प्राइम फ्रेम तो हम एस में मोमेंटम कंजर्वेशन मोमेंटम को लेकर चले थे हमने किस में प्रूफ कर दिया हमने इसे एस प्राइम में प्रूफ कर दिया तो इन गैलिनियन ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ आर कंजर्व तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन क्लियर है भाई तो हमने यहां पर ये मुंह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज क्वांटिटी इज इन अंडर गैलिनियन ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें पता है एसिलेशन रहता है इनवेरियंट इन गैलिनियन ट्रांसफॉर्मेशन एसिलेशन इनवेरियंट रहता है एंड डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट तो यहां पर एस्टिलेशन तो है नहीं वेलोसिटी है डिस्टेंस है स्पीड है नन है तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हम प्रूफ करके भी दे लेते हैं डिस्टेंस हमारी क्या होती है अगर हमने मान लिया कि डिस्टेंस डी एस फ्रेम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस का क्या होता है टू पॉइंट के बीच में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर क्लियर है ये हो गई फॉर एस फ्रेम और डिस्टेंस फॉर एस प्राइम फ्रेम क्या हो जाएगी हमारी एक्स टू प्राइम माइनस एक्स वन प्राइम का होल स्क्वायर प्लस वाई टू प्राइम माइनस वाई वन प्राइम का होली स्क्वायर प्लस जेड टू प्राइम माइनस जेड वन प्राइम का होल स्क्वायर फॉर एस प्राइम फ्रेम और अकॉर्डिंग टू गैलिलियन एक्स प्राइम इक्वल टू कितना होता है हमारा एक्स माइनस बी टी वाई प्राइम इक्वल टू वाई Z प्राइम इक्वल टू जेड और T प्राइम इक्वल टू टी ठीक है भाई तो यहां से अगर ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो D प्राइम वाली में रख दो तो D प्राइम इक्वल टू रूट एक्स प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी इससे x2 प्राइम की हो जाएगी x2 टू माइनस बी टी टाइम सेम है तो कोई चेंज नहीं होगा x1 प्राइम की इससे कितनी हो जाएगी x1 प्राइम की हो जाएगी माइनस एक्स वन प्लस बीटी माइनस माइनस प्लस टाइम में कोई चेंज नहीं होगा का स्क्वायर प्लस y2 तो सीधा y2 हो जाएगा y2 y2 प्राइम तो y2 हो जाएगा और y1 प्राइम y1 हो जाएगा y2 minus y1 का होल स्क्वायर सिमिलरली z2 minus z1 का होल स्क्वायर क्लियर है भाई तो d प्राइम इक्वल टू ये bt से bt कैंसिल आउट हो गया क्या आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर और ये इस इक्वेशन से अगर इस वाली इक्वेशन को देखोगे आप इस इक्वेशन से किसके बराबर है डी के बराबर है तो इक्वल टू कितना हो जाता है आपका ये इक्वल टू हो जाता है आपका डी के बराबर तो डी प्राइम इक्वल टू क्या गया डी यानी कि डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू गैलिनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिमेन्स इन ठीक है तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश दैट देर इज नो यूनिवर्सल मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज कॉन्स्टेंट बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अब ठीक है भाई तो क्या प्रूफ किया था उसने दोनों को प्रूफ दिया था उसके जो माइकलसन मोर्ले का एक्सपेरिमेंट आया था उसने क्या किया था कि उसने कहा था कि बाद में कि कोई ऐसा मीडियम नहीं है जो अर्थ के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रहा हो और फिर उसने दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज कांस्टेंट तो 69 का हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट इज ईथर डज नॉट एग्जिस्ट ईथर इज नॉट मूविंग सन इज नॉट मूविंग नन तो ईथर इज़ नॉट मूविंग तो कहा ही नहीं उसने तो ईथर की बात करते हैं तो ईथर इज नॉट मूविंग और ईथर डज़ नॉट एग्जिस्ट तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आए एक्सप्लेनेशन दी उसने कभी नहीं कहा कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता उसने कहा कि ईथर है और ईथर रेस्ट में है अर्थ उसे ड्रैग कर रही है अपने साथ अर्थ उसे अपने साथ ड्रैग कर रही है ठीक है भाई यह जो बात कही थी कि ईथर डज नॉट एक्जिस्ट यह बात कही थी आइंस्टीन ने आइंस्टीन ने कहा था कि ईथर का कॉन्सेप्ट ही मीनिंगलेस है ईथर एग्जिस्ट करता ही नहीं है ओनली रिलेटिव मोशन है ओनली रिलेटिव मोशन है तो आइंस्टीन ने माइकलसन मोलने अपने नेगेटिव रिजल्ट के एक्सप्लेनेशन में क्या कहा उन्होंने कहा था कि ईथर है और ईथर रेस्ट में है इथर इज नॉट मूविंग यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन क्लियर है भाई देखो भाई अगर हम ये लेके अगर हम ये लेके चलते हैं कि ईथर इज नॉट मूविंग तो इसका मतलब क्या हो जाता है इसका मतलब यह हो जाता है कि हमारी वेलोसिटी इक्वल टू जीरो हो जाती है हमारी वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाती है जीरो हो जाती है ठीक है भाई एक मिनट तो हमारी वेलोसिटी जीरो हो गई और अकॉर्डिंग टू माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाती है अगर ईथर रेस्ट में है और माइकलसन मोरले के अकॉर्डिंग टी वन हमारा कितना आता है टी वन आता है टू डी अपॉन सी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और टी टू कितना आता है टी टू आता है टू डी अपॉन सी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर फिर हम इसमें टाइम डिफरेंस निकालते हैं और हमें फ्रिंसिफ्ट मिल जाती है डेल्टा एन इक्वल टू एल स्क्वार वी स्क्वार सी है लेकिन अगर हम वेलोसिटी को जीरो कर दें अगर यहां पर भी वेलोसिटी को जीरो करते हो अगर ईथर को उन्होंने के नेगेटिव रिजल्ट में कहा कि ईथर जीरो है और एक्सपेरिमेंटली हमें कोई शिफ्ट नहीं मिल रही तो वेलोसिटी को अगर यहां पर भी जीरो करते हो तो डेल्टा एन यहां से कितना मिल जाता है जीरो मिल जाता है यानी कि एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली अगर इथर को हम रेस्ट में मानते हैं तो फ्रेंड शिफ्ट हमें जीरो मिलती है अगर इससे भी करें तो t1 को निकालें अगर जैसे हमने वहां पर निकाला था t1 वन माइनस टी टू तो टी वन निकाले वेलोसिटी को जीरो कर दें तो t1 आ गया डी अपॉन सी और t2 भी कितना आ जाएगा यहां से 2d डी सी और t1 वन इक्वल टू कितना आ गया t2 आ गया यानी कि डेल्टा टी टाइम डिफरेंस ही कितना आ गया हमारा टी वन माइनस टी टू इज जीरो डिफरेंस जीरो आ गया तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया हो हो गया, difference जीरो हो गया, तो कितनी आ गई? जो experimentally result मिल रहे थे, उन्हें कोई भी डिफरेंसिप्टीरो नहीं मिल रही थी वो उन्हें मैथमेटिकल भी, भी नहीं मिली कब नहीं मिली जब उन्होंने अपने एक रिजल्ट में कहा कि अगर ईथर रेस्ट में मान कि ईथर को रेस्ट में है और अर्थ उसे ड्रैग कर रही है अपने साथ तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो अर्थ के रेस्पेक्ट में

v greater than greater than c v is the order of c and none तो हम relativity motion की तभी बात करते हैं जब b is equivalent to c भाई जब b less than less than c है तो that is the non relativistic case जहां पर हमारी Newton's law applicable है ठीक है लेकिन v greater than greater than c second में कह रहा है v greater than greater than c तो v greater than greater than c तो possible तो ही नहीं है यही रिलेटिविटी कहती है मास हमारा नेगेटिव आ जाता है इमेजनरी आ जाता है नेगेटिव आ जाता है ठीक है भाई तो जब वेलोसिटी सी के ऑर्डर की होती है तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन द स्पेशल थॉरी ऑफ रिलेटिविटी की हम स्टडी करते हैं कोई भी पार्टिकल अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपरेबल वेलोसिटी से चलता है तो हम उस केस में रिलेटिविटी अप्लाई करते हैं उस पार्टिकल के ऊपर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ऑब्जेक्ट ए मूविंग ऑब्जेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्व ऑब्जर्वर एपियर टू बी एक मूविंग ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व, एक मूविंग है वो हमारे रेस्ट वाले ऑब्जर्वर को कैसे एपियर होगा इंक्रीज इन लेंथ डिक्रीज इन लेंथ नो चेंज इन लेंथ और नन ऑफ द अब ठीक है भाई यानी कि एक हमारा ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्वर है यहां पर रेस्ट में है ओ और एक कोई बॉडी है जो एल लेंथ की है मोशन में है ओ प्राइम बी वेलोसिटी किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ओ ऑब्जर्वर को कितनी दिखाई देगी तो हमें पता है कि जब भी कोई की बात करते हैं तो वो वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर फैक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो कैसे दिखाई देती है छोटी होती हुई तो डिक्रीज इन लेंथ ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन

अगर हम आइंस्टीन के सेकंड पोस्टुलेट की बात करें स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम कि स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू टेन पावर एट मीटर पर सेकेंड होती है तब भी सी रहेगी हम एस डबल प्राइम जो जीरो पॉइंट नाइन सी वैल्यूसिटीज चल रहा है उसमें भी सी रहेगी तो सी रिमेन सी इन ऑल इनर्शियल फ्रेम और रिफरेंस तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन क्लियर है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉस्टुलेट ऑफ स्पेशल थॉरी ऑफ रिलेटिविटी आर तो आ कितने पॉस्टुलेट दिए आंसर ने हमें पता है आंसी ने दो पॉस्टुलेट दिए पॉस्टुलेट वन

तो किस किस में गई, दी गई थी ये 1905 में आइंस्टीन ने स्पेशल थॉरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन क्लियर है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डिफाइंड बाय स्टेम स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम किसने दिया देखो भाई अगर हम स्पेस पार्ट की बात करें स्पेस पार्ट कौन से होते हैं हमारे एक्स वाई जेड टाइम की बात करें तो टाइम कंपोनेंट कौन सा होता है टी सबसे पहले इनको डिफाइन किया Galenian ने एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस बी टी वाई प्राइम इक्वल टू वाई जेड प्राइम इक्वल टू जेड टी प्राइम इक्वल टू टी लेकिन ये जैसे ही वीक्विल टू सी हुआ तो यह फेल हो गए है ना कुछ पार्टी के ये प्रूफ नहीं कर पाए आइंस्टीन के सेकंड के स्पीड ऑफ लाइट सेम इन ऑल इसके बाद स्पेस इस टाइम कंपोनेंट को डिफाइंड किया लोरेंच ने एक्स प्राइम इक्वल टू के एक्स माइनस बी टी वाई प्राइम इक्वल टू वाई जेड प्राइम इक्वल टू जेड और उसने टाइम कंपोनेंट को भी डिफाइन किया टी प्राइम इक्वल टू के टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर तो स्पेस टाइम कंपोनेंट को रिलेटिविटी में सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया लॉरेंज ने तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई मिंकोविस्की स्पेस इज इन तो मिंकोविस्की स्पेस मिंकोविस्की ने स्पेस डिफाइन किया स्पेस टाइम इंटरवल के साथ वो कहता है कि एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस एक्स फोर स्क्वायर यानी कि ये कितने डायमेंशन का कॉन्सेप्ट हो गया फोर डायमेंशन का यहां पर उसने बताया कि एक्स वन इजेंडिंग टू एक्स एक्स टू टेंडिंग टू वाई एक्स थ्री टेंडिंग टू जेड एंड एक्स फोर इज स्टैंडिंग टू आई सी टी जब हम इसमें इनकी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें स्पेस टाइम इंटरवल मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन तो हमें स्पेस टाइम इंटरवल कितना मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर दिस इज द फोर डायमेंशनल और इन्होंने कहा था कि जो फोर्थ कंपोनेंट है इट इज दाइम कंपोनेंट एंड इट इज इमेजनरी कौन सा कंपोनेंट है ये? इमेजनरी कंपोनेंट है फोर्थ कंपोनेंट इज द इमेजनरी तो इनको इसकी स्पेस इज द फोर डायमेंशनल तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर डी स्पेस इज फोर स्पेस को हम क्या बोलते हैं फोर स्पेस को हम मिंकोविस्की स्पेस बोलते हैं फोर स्पेस को हम वर्ल्ड स्पेस भी बोलते हैं तो और हम स्पेस टाइम भी बोलते हैं तो ऑल ऑफ द डी इज द राइट ऑप्शन फोर स्पेस इज द मिंकोविस्की स्पेस वर्ड स्पेस बाई वर्ड्स एक्स वाई जेड और टाइम पर ही तो डिफाइन है और स्पेस टाइम इंटरवल इसको हम स्पेस टाइम इंटरवल भी बोलते हैं फोर को अभी हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर तो फोर डी स्पेस इज ऑल ऑफ द अब ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेशल थॉरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोथ ए एंड बी नन तो हमें पता है कि हमारे दो ही फ्रेम होते हैं एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और स्पेशल थॉरी ऑफ रिलेटिविटी आती है फॉर इनर्शियल फ्रेम और जी टी आर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई नॉन इनर्शियल फ्रेम तो स्पेशल थॉरी ऑफ रिलेटिविटी में हम कौन सा फ्रेम डिस्कस करते हैं इनर्शियल फ्रेम डिस्कस करते हैं तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ स्पेशल थॉरी ऑफ रिलेटिविटी फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है स्पेशल थॉरी ऑफ रिलेटिविटी का ऑल लॉ फिजिक्स होल्ड ट्रू इन ऑल इनर्शियल फ्रेम और रिफरेंस सी रिमेन्स कॉन्स्टेंट Both A and B and तो हमारा कौन सा हो जाता है ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन सेम या होल्ड ट्रू इन इनर्शियल फ्रेमेंस तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ऑलरेडी वीडियो काफी बड़ी बन गई है तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कोई डाउट हो तो कमेंट करना थैंक यू